हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज का जो वीडियो है करियर के रिलेटेड, कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर इन ऑप्टोमेट्री। दोस्तों, जी हां, एक मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स से माना जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑप्टोमेट्री होता क्या है और इसके रिलेटेड क्या क्या कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस होंगे, आप इसमें किस तरह से अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बेसिक डेफिनेशन से लेकर सैलरी तक आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हमारे चैनल में जो टाइम टू टाइम अपडेट होते आ रहे हैं, करियर के रिलेटेड हो, कॉलेजेस के रिलेटेड हो या कोई स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो, आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो ऑप्टोमेट्री होता क्या है दोस्तों? देखिए, अगर इसके टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन माना जाता है जहां आपकी आँखों से रिलेटेड होता है दोस्तों, राइट? आपके विजन को मेजर किया जाता है। अगर आपकी विजन पूर है तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, आपने कई बार देखा होगा। इनफैक्ट कई सारे बच्चों को जो है अभी ग्लासेस भी लग जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको पास का दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता है। तो लेंसेस फिट किए जाते हैं ताकि आपकी विजन को इम्प्रूव किया जाए, या फिर उसके अलावा भी कई सारे आई डिसीजेस होते हैं, कैटरैक्ट हो गया और न जाने कितने सारे विटामिन डिफिशेंसी की वजह से आई डिसीज भी आ जाते हैं, तो उनको ट्रीट करना भी ऑप्टोमेट्री के अंदर ही आता है दोस्तों। जी हाँ, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स ए हेल्थ केयर प्रोफेशन ऑफ मेजरिंग विजन विच प्रिस्क्राइब्स एंड फिट लेंसेस टू इम्प्रूव द विजन। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी दे विल डिटेक्ट एंड ट्रीट वेरियस आई डिसीजेस। तो ये भी जो एक वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग करियर माना जाता है मेडिकल कोर्सेज में, और वन ऑफ द डायनामिक एंड चैलेंजिंग करियर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेल्फ अवेयरनेस, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पेक्ट, मनी, सारा कुछ इस आप करियर में आपको देखने को मिल सकता है। एंड आगे चलकर इस फ्यूचर में जो है ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने करियर को इसमें परस्यू कर सकते हैं। और कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो है कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो डिप्लोमा या फिर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कोर्सेस, पीएचडी कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं ऑप्टोमेट्री। जी हाँ, देखिए, इसका जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स रहेगा आपको। जैसे ही आप 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पास कर लेते हैं विथ 55% मार्क्स, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 55% मार्क्स के साथ जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हैं 10+2 को, तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों विद 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। उसके अलावा भी आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, 1 साल का होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स। और उसके बाद आप बैचलर डिग्री कोर्सेज में जाते हैं जिसमें हम ऑप्टोमेट्री कहते हैं दोस्तों, बी ऑप्टो जिसे कहा जाता है, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली बैचलर कोर्सेज आपको 4 साल के होते हैं, राइट? और उसके बाद आप मास्टर डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया या फिर आप मास्टर ऑफ साइंस हो गया। और यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा इसमें, जिसे हम एमए एमएससी कहते हैं, जहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों भी आपको मिलाकर यहाँ पे पढ़ाया जाता है दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए ताकि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं? देखिए, पहली बात, आपको जो है 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके? जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तो उसके बाद आपको 4 साल का ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो मास्टर्स या पीएचडी भी कर सकते हैं, राइट? तब जाके आप कहलाते हैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, राइट? एंड इसके जो है एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के एंट्रेंस टेस्ट लिखाए जाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो, दैट इज़ NEET नीट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, उसके बाद एम्स का एग्ज़ाम होता है, जिपमर का एग्ज़ाम होता है, तो सारे एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो है एजुकेशन मिल सके, वहाँ पे सीट आपको आ सके और आप इस कोर्स को परस्यू कर सके दोस्तों, राइट? तो उसके बाद टॉप कॉलेज की बात करें, यहाँ पे जो है एम्स, ऑब्वियसली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तो सबसे टॉप कॉलेजेस है हर एक कोर्स में, चाहे वो ऑप्टोमेट्री हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, हर कोई का बेस्ट कोर्स ऑफर करते हैं लोग, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो गया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओके, एंड पंजाब मेडिकल कॉलेज, कई तरह के कॉलेजेस होते हैं,
एंड बिट्स जो होती है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंस पिलानी जो है वहाँ पे भी आपको इस तरह का कोर्स ऑफर किया जा रहा है दोस्तों। एंड रही बात करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, देखिए ये बात, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के लाइफ में कि मैं तो 4 साल का कोर्स कर लूँगा, मास्टर कर लूँगा, PhD भी कर लूँगा, बट आगे का करियर क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कई तरह के ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट प्राइमरी हेल्थ केयर की तरह शुरुआत करते हैं। आपने कई सारे लोग को देखा होगा जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, राइट, एंड दे विल मेनली फोकस ऑन विजन केयर, दे विल ऑल्सो डायग्नोस मेनी डिसीजेस, ऑल्सो दे विल एग्जामिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, राइट। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भी अपने करियर को परस्यू करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह वो लोग काम करते हैं दोस्तों, राइट, एंड प्रोफेसर्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री डॉक्टर पे भी वो वहाँ पे भी जाते हैं दोस्तों। तो रही बात टॉप जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे पहला जो है कस्टमर केयर एसोसिएट हो गया, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ट्रेनी ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया दोस्तों, विजन कंसल्टेंट या फिर ऑप्टोमेट्री रिसर्चर, तो टॉप जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपको रेंज होगा, अगर इनिशियली मंथली सैलरी अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर की तरह तो 20,000 से 40,000 तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और आपका जो पर एनम की बात करें तो एज ए फ्रेशर यू विल गो अप टू 5 लाख, जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है या 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है देन योर एनुअल इनकम गोस अप टू 10 लाख पर ईयर दोस्तों, आपके एक्सपीरियंस पे बेसिस पे, राइट। सो दिस इज़ ए बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऑप्टोमेट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस करियर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।